हमने साईं बाबा का दर्शन कर लिया। अभी हम जा रहे हैं गणेशपुरी, बाबा नित्यानंद का समाधि स्थल है वहाँ पर, और यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब गणेशपुरी जा रहे हैं। देखिए कितना अगल बगल में सुंदर वातावरण है, हरे हरे पेड़ हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। गणेशपुरी में हम लोग भगवान श्री नित्यानंद स्वामी के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ से उनकी समाधि स्थल एवं मंदिर, गर्म पानी का कुंड, अन्य जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। भगवान नित्यानंद स्वामी ने गणेशपुरी को अपनी लीला स्थली के रूप में चुना है। अति प्राचीन भीमेश्वर महादेव के मंदिर के समीप रहने लगे भक्त उन्हें दत्तात्रेय का, कोई भक्त शिव का अवतार मानने लगे। आज भले ही भगवान नित्यानंद स्वामी यहाँ न हो, लेकिन यहाँ आने पर उनकी उपस्थिति महसूस होती है। आरू और आयुष मंदिर में आकर मस्ती कर रहे हैं। देखिए दोनों आपस में दौड़ रहे हैं। अरे भाई इधर आइए आप लोग, चलो अभी दर्शन करना है, मस्ती मत करो, चलो भाई। अंदर से भगवान नित्यानंद का फोटो लेने के लिए सख्त मनाही है, इसलिए मैं जूम करके बाहर से उनका फोटो ले रहा हूँ। जय नित्यानंद स्वामी की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सामने भजन हाल है, यहाँ भजन का कार्यक्रम होता है। भगवान नित्यानंद का डेली भजन होता है। ने बाबा नित्यानंद का दर्शन कर लिया। जय बाबा नित्यानंद स्वामी। भगवान नित्यानंद स्वामी यहाँ रहते थे। वह निवास स्थान बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अंदर उनकी लीलाओं को दर्शाया गया है। उनके द्वारा जो चीज़ें उपयोग में लाई गई हैं उन्हें संरक्षित किया गया है। हम लोग भगवान नित्यानंद स्वामी के निवास स्थान जहाँ रहते थे वहाँ पहुँच गए। वहाँ उनकी लीलाओं को फोटो के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान नित्यानंद स्वामी का बहुत सुंदर प्रतिमा स्थित है। इस टब में बाबा नहाते थे, ये उस समय का टब है। गर्म पानी का कुंड है, आपको अंदर लेके चलते हैं। देखिए सामने गर्म पानी के तीनों कुंड दिखाई दे रहे हैं। और होटल और गेस्ट हाउस वगैरह बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर आके रुक भी सकते हैं। रहने की भी यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। प्रसादालय में पहुँचा हूँ। अंदर प्रसादालय में भक्त लोग प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद खा रहे हैं और प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। प्रसाद खाने से स्वामी जी की कृपा प्राप्त होती है। मेरी फैमिली ने भगवान नित्यानंद का दर्शन कर लिया और कुंड पे गर्म पानी में गए, वहाँ पर स्नान भी किया। आज भगवान नित्यानंद की समाधि है, वो नहीं है लेकिन तो भी यहाँ पर आने पर महसूस होता है कि हम लोग के साथ ही है वह। जय स्वामी नित्यानंद की जय हो। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आगे से और भी वीडियो आपको भेजता रहूँगा। जय माता दी, ओम साईं राम, हरे कृष्णा।